रक्षा मंत्रालय ने सेना और नौसेना के लिए बड़ी खरीद को मंजूरी दी है। नौसेना के लिए 111 हेलीकॉप्टर और करीब 150 आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदे जाएंगे। हेलीकॉप्टर डील पर लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कुल 46,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। डीएससी की बैठक में ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, डीएससी रक्षा खरीद मामलों पर फैसला लेने वाला मंत्रालय का शीर्ष निकाय है। इसमें थल सेना के लिए 150 पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन और विकसित 155 एमएम वाली उन्नत तोपों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। इसकी लागत करीब 3,364 करोड़ रुपए है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि डीएससी ने कुछ दूसरे खरीदी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिनमें करीब 24,879 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सेना के लिए 155 एमएम वाली उन्नत 150 आर्टिलरी गन भी खरीदी जाएंगी। इन गन्स को डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 3,364 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि ये खरीद काफी लंबे वक्त से लटकी हुई थी। पिछले साल अगस्त में नेवी ने 111 यूटिलिटी और 125 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दिया था। इससे पहले भी इसी खरीद के लिए 2011 और 2013 में भी RFI जारी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।